गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑनलाइन इंस्टीट्यूट पीवीआर स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं राज कुमार यदुवंशी आपके सामने जीरो लेवल मैथ की 16वां नंबर पार्ट लेकर उपस्थित हूँ। चलिए देखते हैं, आज हम देखेंगे दशमलव का गुणा। ठीक है, दशमलव वाली संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि दो का गुणा करते हैं तीन में, तो दो तिहाई छह होता है। लेकिन अगर 0.2 का गुणा कहा जाए कि 0.3 में करें, तो इसका गुणा 0.06 होता है। वो कैसे होता है ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में। आप हमें शुरू का 5 मिनट दे दीजिए, फिर आप अपनी पूरी 5 लाइफ में भी ये सब नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जल्दी से सभी लोग इस क्लास को लाइक कर दें, और हाँ याद रहे, क्लास देखने के बाद अपने दोस्तों को दिखाना नहीं भूलिएगा भाई। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन है, आप लोग जल्दी से कमेंट करिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं, कल रात्रि में जो लोग 12 बजे क्लास देख रहे होंगे, भाई देखा होगा आप लोगों ने, लगभग 50 लोगों ने क्लास देखा था रात में 12 बजे। तो अचानक फोन डिस्चार्ज हो जाने की वजह से क्लास खत्म हो गई थी, अचानक सडनली, जिसका मुझे अफसोस है। लेकिन फिर भी हमने सोचा अगली क्लास आपको सुबह 5 बजे दे देंगे जो पार्ट बचा हुआ है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट कर दें, हम आते हैं आपके आंसर पर, क्योंकि इसमें ज्यादा समय नहीं है। तो यही है ना, क्या करना है। देखिए सिंपल में दशमलव को भूल जाइए, आंख बंद करके दशमलव लगाया ना, इसमें दशमलव भूल जाइए तो क्या बचेगा भाई। दशमलव भूल जाए तो 0 0 और ये 0 0 और 1, यही बचेगा ना। दशमलव भूल जाइए, एक एक का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एक ही आएगा। और ये जो 0 है ना, तमाम इनका गुणा करेंगे 0 में, तो कोई मतलब नहीं, 0 ही आएगा। कुल मिला करके ये गुणा करने पर कितना आएगा, कंप्लीटली 0 0 1 आएगा, यही आएगा ना। कुछ और आएगा तो बताइएगा। अब क्या करेंगे, अब हमें दशमलव का काम लगेगा, बिल्कुल ऐसे छोड़ नहीं सकते, सिंपल में ऐसे पीछा नहीं छूटेगा दशमलव से। एक अंक पर दशमलव, देखिए 2 अंक पर यहाँ पर है और 2 अंक पर यहाँ पर है, तो आप क्या करेंगे, 4 अंक पर दशमलव हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 2 3 अंक है ना, एक अंक और बढ़ा लेंगे और फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा ये दशमलव, ये आपका उत्तर हो जाएगा। बात समझ आई ना। लेकिन ध्यान रहे, जो ये 0 दशम, ये 0 0 इतना था ना, एक अंक बढ़ाना था, तो आप 1 0 इधर तो लिख सकते थे ना, ये तब भी तो हो जाता 4 अंक ना। लेकिन ये तरीका गलत है, दशमलव हमेशा बाई तरफ ही बढ़ाएंगे। बात समझ में आई ना, ठीक है ना। तो यानी कि इसका उत्तर जो आपने देखा वो क्या था, 0.0001, 4 बार 0 रहेगा, सॉरी 3 बार। तो इसमें कोई आंसर आपका सही नहीं लग रहा हमारे समझ से, तो भाई इसमें नाम ऑफ दीज राइट हो जाएगा। ठीक है, ये था दशमलव का गुणा। एक और देख लीजिएगा इसमें से, जल्दी से फट से, और फिर फटाफट आगे चलते हैं, हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए 0.03 × 0.05, और यहाँ पर हम ना लगाए दशमलव, मान लेते हैं कुछ गड़बड़ कर देते हैं, ये ऐसे का मान। अब बताइए क्या होगा, इसको सिंपल में लिख लो भाई, ये जो भी है, अगर दशमलव ना होता तो क्या होता, तो क्या होता, 15 होता। इमेजिन करिए, कल्पना करिए, 15 होता ना। अब अगर लेकिन दशमलव ना होता तब ना, दशमलव तो है तो क्या करेंगे, अब तो ये गुणा हो गया। अब हमें देखना दशमलव कितना कितना अंक पर है, यहां पर 1 2 अंक पर है, पीछे से गिनते हैं इधर दाहिनी साइड से, यहां पर 1 अंक पर है, तो 3 अंक पर यहां दशमलव होगा। 2 अंक है ना, एक अंक और बना लें, ये हो जाएगा यहाँ पर दशमलव, ये आपका राइट आंसर होगा। बात समझ में आई ना। गुणा करने के बाद दशमलव देखते हैं कितना अंक पर है, 2 अंक पर यहाँ है, 1 अंक पर यहाँ है, तो दोनों को जोड़ देते हैं 2 1 3, और जितना अंक पर जोड़ने पे प्राप्त होता है उतना अंक पर पॉइंट लगाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.015। गलत आंसर आपके पास ऐसे ऑप्शन दिए होंगे, ऐसे बहुत से ऑप्शन आपको दिए होंगे। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, क्लियर। ये था दशमलव का गुणा। अब करते हैं दशमलव का भाग, और दशमलव के भाग में आपको ज्यादा समझना होगा। ठीक है ना, तो देखिए ये गुणा हो गया, नंबर 4 3 कौन सा सवाल है, 0.03 इसको भाग करना है अगर हमें 0.03 से,
अब बताइए इसको कैसे करेंगे भाग। भाग का मतलब होता है बटा, ऐसे लिख लो भाई, 0.03 बटा 0.3। सिंपल सी बात है, ऊपर 2 अंक पर दशमलव है, नीचे 1 अंक पर है। तो ऊपर अगर 2 अंक पर दशमलव है, नीचे 1 अंक पर है, तो पहले एक एक जगह से हटाएंगे। पहले दशमलव अगर हम नीचे से हटाएंगे तो क्या करेंगे, नीचे से दशमलव हटाना है, तो देखिए 1 अंक पर दशमलव है ना, तो ये दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे क्या करेंगे, 10 से गुणा। अगर 1 अंक पर दशमलव है तो 10 से 2 अंक पर है तो किससे, 100 से, 3 अंक पर है तो 1000 से, ये हो गया। अब ऊपर वाले दशमलव को हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले दशमलव को हटाने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल गौर से देखिएगा तो समझ में आएगा आपको। देखिए हमने गुणा कर लिया, अगर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0.30/0.3। क्यों, क्योंकि भाई देखिए दशमलव हटा के अगर गुणा करेंगे तो 10 3 30 30 होगा, 1 अंक पर दशमलव लग जाएगा, तो इतना हो जाएगा। जो पहले जीरो था उसको ऐसे मैंने लिख लिया, लेकिन इस जीरो से कोई मतलब नहीं है, इस जीरो से भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर दशमलव है इसलिए जीरो को लगा दिया गया। बट अभी प्रॉब्लम बनी है उस चीज को, मतलब इस पूरे पोजीशन को आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप यहाँ पर लिख लें तो आप इसे 0.30 और नीचे ये 3 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 3 के बाद 0 ही है, ये दशमलव के बाद 0 है ना, इसे आप हटा सकते हैं। अभी ऊपर दशमलव लगा है, ध्यान दीजिएगा मैं दो तरीका बताऊंगा। अब ऊपर दशमलव 2 अंक पर है, इसलिए आप क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे 100 से, तो ये हो जाएगा 3000। कैसे, 2 जीरो यहाँ पर है, 1 जीरो यहाँ पर है, इसलिए हमने क्या किया, 3 जीरो लिख दिया 3 के बाद। नीचे 100 का 3 में करेंगे क्या हो जाएगा, 300। बात समझ में आई, 1 2 अंक पर दशमलव था ऊपर, तो 1 2 अंक पर दशमलव हो जाएगा। बात समझ में आई, कितना आया, 30 ना, ये हो जाएगा 30/300, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 3 से 1 कट गया, 1/10 क्या आएगा, उत्तर आएगा कितना आएगा, 1/10। नहीं समझ में आया तो बताइएगा। इसका दूसरा तरीका भी है जो कि मैं आपको देने वाला हूं, दूसरा तरीका ध्यान दीजिएगा। दूसरा तरीका ये है प्रिय मित्रों, ये यहां से जहां से हमने शुरू किया था वहीं से, वहीं से देखिए, इसमें दो बीमारी है। पहली बीमारी है कि ऊपर दशमलव लगा है, दूसरी बीमारी है कि नीचे भी लगा है। तो हमने आपको अलग अलग बीमारियों का अलग अलग इलाज बताया, लेकिन अब एक ही इलाज में दोनों करेंगे, वो कैसे, पहले नीचे का दशमलव हटाने के लिए 10 से 2 अंक गुणा करेंगे, हो गया। अब ऊपर 2 अंक पर दशमलव है, तो ऊपर का दशमलव हटाने के लिए नीचे ऊपर किससे गुणा करें, 2 अंक पर है तो 2 बार 0 लगाए के बाद, मतलब 100 से, इसी वो भी कर दो भाई एक के बाद में, ये ज्यादा आसान रहेगा, समझ में आया ना। अब क्या करें, काट दीजिए जो कटे, 10 दाम में 100 और ये 10 दाम में 100, बट ऐसे काट देंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा भाई, गुड़ा गुड़ा होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं काटेंगे, गुड़ा कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, सब काटेंगे नहीं, ये 10 और ये 100 और ये 100, ठीक है, तो सबको गुणा कर ले तो कितना आएगा, ऊपर ऊपर ये 3 के बाद में 3 जीरो, ठीक है, और फिर 2 अंक पर दशमलव, यहां पे नहीं, 2 अंक पर ध्यान दीजिएगा, 0 0 0, 2 अंक पर पीछे से, यहां पे नीचे सब गुणा कर ले तो ये आएगा, ये 1 अंक पर दशमलव पीछे से, ये इक्वल कितना हो गया, 30/300, फिर काट दे 1/10, तब भी आया ना। बात समझ में आई, तो दोनों तरीका आप अपना सकते हैं। ये था भिन्नों का भाग का छोटा सा क्वेश्चन जो आपने देख लिया। अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से दें, बिल्कुल आपके सामने ऑप्शन आ चुका है, हट से दे तुरंत, बुलंद हो हौसले तो मुट्ठी में उड़ान है, उसके लिए और मुसीबतें जिंदगी में आम है, हो अगर जिंदा तो ताकत रखो बाजुओं में लहरों के खिलाफ तैरने का, लहरों के साथ बह जाना तो लाशों का काम है। जी बिल्कुल, आप भी कुछ सीखे, चलिए देखते हैं। ये 30 लिखा है ना, भाग देना किससे, 0.3 से, तो ये हो गया 0.3। अब क्या करना है, नीचे 1 अंक पर दशमलव है तो दशमलव हटा देंगे, और ये दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे,
कुल मिला के मतलब समझिएगा, अगर एक अंक पर दशमलव है तो जो गुणा करेंगे उसमें एक जीरो लगाएंगे, दो अंक पर होता तो दो जीरो, तीन अंक पर होता तो तीन जीरो। कहने का मतलब अगर ये दशमलव दो अंक पर होता तो 100 से गुणा करते ऊपर नीचे, अगर ये दशमलव तीन अंक पर होता तो 1000 से करते। ठीक है, अब गुणा करेंगे तो कर लेंगे, ऊपर का गुणा होगा 300, नीचे का गुणा होगा तो 10 दिया 30, लेकिन नीचे एक अंक पर दशमलव था इसलिए लग गया दशमलव। इसको इधर फाइनल करें तो ये हो जाएगा 300/3, काट दे तो आ जाएगा 100/1, मतलब क्या है 100। ऑप्शन नंबर ए हो गया सही। बात समझ में आई ना, तो सभी लोग इस क्लास को समझ गए होंगे। दोस्तों ये था 16वां पार्ट आपका जीरो लेवल मैथ का। इसके अलावा 15 भाग आपने शाम को देखा था रात्रि के 12 बजे। अगर आपने उस पार्ट को नहीं देखा तो कमेंट करिएगा, या फिर ऊपर दिखाए गए नंबर या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिएगा, आपको 15वां भाग भेज दिया जाएगा जिसमें आपने देखा था भिन्नों का जोड़ और घटाना। ठीक है, किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं एनी टाइम 24x7 day। ठीक है, ये नंबर बहुत ही इजी है, आप लोग इन्हें याद कर लें और हमसे आप जुड़े रह सकते हैं ऑल टाइम। ये व्हाट्सएप और टेलीग्राम नंबर भी है जो लास्ट में लिख रहे हैं, इसे आप लोग नोट कर लें और अपने एड्रेस बुक में पीपीआर स्टडी नाम से सेव कर लें। किसी भी प्रकार की और भी हेल्प के लिए आप विजिट कर सकते हैं pbrstudy.com। ऑनलाइन टेस्ट, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ फाइल वगैरह वगैरह सब कुछ मिलेगा। उसके अलावा vidyacc.com, यहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अपनी गणित के सवालों को आप हमें pbrstudy@gmail.com पर लिख करके भेज सकते हैं, फोटो खींच करके, आपको उसका सलूशन जल्द से जल्द दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सभी बातें आप समझ गए होंगे, तो इस क्लास को एंड करने की दीजिए इजाजत। लेकिन इसके पहले हम आपसे एक अनुरोध करना चाहेंगे, कृपया इस क्लास के खत्म होने के बाद अपने कम से कम 3 मित्रों में इस क्लास को अवश्य शेयर करिएगा, ऐसी हमारी आपसे प्रार्थना है। तो फिर मिलेंगे अगले भाग में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। देखते रहें अपने जरूरत के अनुसार से क्लासेस, यूपी टेट, सी टेट, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी पुलिस, बिहार एसआई, राजस्थान एलडीसी, यूपी पीसीएस, किसी भी एग्जाम के लिए मैथ की इंडिविजुअल क्लास पीबीआर स्टडी के साथ। थैंक यू।